ओके गाइस, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल, और यू कैन से डेटाबेस स्पेशली। सो डेटाबेस में भी स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे कि डीक्यूएल क्या होता है, बट थोड़ा उससे पहले रिपार्ट देख लेते हैं, व्हाई आर वी लर्निंग दिस। सी, कोई भी एप्लीकेशन के एटलीस्ट टू टीयर एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि ये मेरा अगर ऐप है। सो ऐप का जो भी डेटा है वो हम जनरली इसी डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं। इंडस्ट्री में मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस अगर देखा जाए तो वो माई सीक्वल, रेडिस, एमएस एसक्यूएल, ओरेकल, ओके, एंड यू कैन से मोंगोडीबी ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर डेटाबेस। अब डेटाबेस को अगर थोड़ा सा एनालॉजी देखी जाए, सो यू कैन से कि जैसे मिलिट्री का बेस होता है, जहां पर कोई कैंप वगैरह लगाते हैं, वो लोग सारी की सारी चीजें अपने पास रखते हैं। वेन एवर दे रिक्वायर, जब भी वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जनरली उस पर्टिकुलर जगह से, ठीक है, डेटा या फिर अपना जैसे हथियार वगैरह है वो सारे उठाकर फिर अपने लोकेशन पे या फिर जो भी साइट है वहां पर लेकर जाते हैं, ठीक है, जहां पर भी ऑपरेशन करना है उनको। सिमिलर केस यहाँ पर भी हो सकता है। हमें कैसा है कि फ्रंट एंड में, ठीक है, फ्रंट एंड में किसी भी क्लाइंट ने कोई डेटा को रिक्वेस्ट किया, तो वो क्या करेगा, ऐप के पास जाएगा। ऐप पर्टिकुलरली डेटाबेस के साथ कनेक्शन करता है गाइस, ऐप पर्टिकुलरली डेटाबेस के साथ कनेक्शन करता है, कुछ रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रडल, ओके, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट एंड लिस्टिंग, एंड देन वहां से एक रिस्पॉन्स आता है। वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हो सकता है, जेसन फॉर्मेट में हो सकता है, एनी फॉर्मेट इट कैन बी। एंड देन एक बार वो आप ऐप के पास आ गया, अब ऐप जो होता है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया हो सकता है, जावास्क्रिप्ट में जो कि नोड जेएस है, पीएचपी में बना हो सकता है, जावा में बना हो सकता है, गोलैंग में बना हो सकता है, ओके, पाइथन में, पाइथन इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर। सो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस कनेक्शन करेंगे एंड देन हम यूजर को वो डेटा शो करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ सिनेरियो यू कैन सी एवरीवेयर, ओके, जहां पर भी आप वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप या फिर ऐसा कोई भी सिस्टम है, आजकल तो सभी जगह पर डेटाबेस का यूज होता है, तो उस केस में आपको ऐसा ही आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। सो आउट ऑफ दिस हम लोग सबसे ज्यादा किसको देखने, मतलब सबसे ज्यादा फोकस किस पे करने वाले हैं, एट द इनिशियल स्टेज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस MySQL पार्ट, ओके, एंड MySQL जो है वो ओरेकल, आई थिंक ओरेकल कंपनी की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है। वी कैन जस्ट चेक ऑन दी विकिपीडिया ओनली। सो MySQL, या डेवलपर्स ओरेकल कॉर्पोरेशन, ठीक। एंड सेकंड अगर देखा जाए तो इस साल का जो स्टैक ओवरफ्लो सर्वे हुआ था, वहां पर भी अगर आप जाके देखेंगे, सो स्टैक ओवरफ्लो इज अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट फॉर डेवलपर्स। सो यहाँ पर आके आप देखेंगे तो माई सीक्वल अगर मैं सर्च करता हूँ, सो यू कैन सी इट इज स्टिल ऑन द टॉप, ओके, स्टिल ऑन द टॉप, एंड मोस्ट ऑफ द परसेंटेज इसका ये। बट ऐसा नहीं है कि आपने माई सीक्वल सीखा तो आप एस पोस्टग्रे, एमएस एसक्यूएल और ओरेकल वो नहीं आएगा। ऑल द डेटाबेसेस यूज वन कोडिंग लैंग्वेज, लाइक वन डेटाबेस लैंग्वेज, दैट इज नथिंग बट एसक्यूएल। सो आपको एसक्यूएल अच्छे से सीखना, डोंट नीड टू फोकस मोर ऑन द MySQL पार्ट और ओरेकल पार्ट, यू नीड टू फोकस ऑन एसक्यूएल पार्ट। सो आपको अगर एसक्यूएल आता है देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वर्क ऑन एनी डेटाबेस इंजन, ठीक है। आप एम एस एस क्यूएल पे भी सर वर्क कर सकते हैं और पोस्टग्रे, ओरेकल, एनी डेटाबेस यू कैन वर्क, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि एसक्यूएल में क्या क्या सीख सकते हैं। सो एसक्यूएल हैज सबसे, और एक चीज बताना बोलिए, यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक्चुअली सिस्टम के अंदर ये वर्क कैसे होता है एंड हाउ दिस थिंग्स ऑपरेट। तो सबसे पहले तो आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस, सबसे पहले क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, दीज आर दी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। अब लेट से ये आपका एक्सेल, एमएस ऑफिस का एक्सेल, ये एमएस एक्सेस हो सकता है, ये आपका मोंगोडीबी भी हो सकता है, एंड उसी के जैसा एक माई सिक्वल सॉफ्टवेयर भी आपने इंस्टॉल किया हो सकता है। ठीक, तो माई सिक्वल के सेट को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि माई सिक्वल के अंदर डिफरेंट डेटाबेसेस हो सकते हैं गाइस, क्या हो सकते हैं डिफरेंट डेटाबेसेस, जैसे DB1, DB2, DB3 एंड DB4, मल्टीपल डेटाबेसेस इट कैन है। एंड आउट ऑफ दिस अगर मैं एक डेटाबेस को देखूं तो एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल क्या हो सकते हैं गाइस, टेबल्स। ओके, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 एंड TBL 4, ऐसे मल्टीपल डेटाबेसेस, एंड ईच टेबल कैन हैव मल्टीपल व्हाट गाइस, कॉलम C1, C2, C3। तो ये कॉलम कोई भी नाम से हो सकते हैं, जैसे नेम, आईडी, ठीक है, फिर बाद में आपका सैलरी, ठीक है। डेट फॉर्मेट में देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एडेड, ठीक है, ये रिकॉर्ड किस दिन ऐड हुआ, एडेड है। एंड ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं इसके अंदर, ये एक तरह से आपके एक्सेल शीट में जैसा होता है उसी के जैसा होता है, एंड ईच रो इज नथिंग बट कॉल्ड एज रिकॉर्ड। ओके, एंड ये जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओके, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक, एंड इसको हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कॉल करते हैं। फ्रंट एंड से हम लोग कॉल करते हैं ये क्रिएट मेथड बाय यूजिंग पोस्ट मेथड, ठीक, रीड करने के लिए हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं, अपडेट बाय यूजिंग पुट और पैच, एंड डिलीट इज फॉर डिलीटिंग द रिकॉर्ड। ठीक है, आप इसको एसक्यूएल के लैंग्वेज में अगर देखा जाए, एसक्यूएल के लैंग्वेज में क्रिएट इज नथिंग बट इंसर्ट। ओके, क्रिएट इज नथिंग बट इंसर्ट, दिस इज नथिंग बट सिलेक्ट, पुट इज नथिंग बट अपडेट द रिकॉर्ड। ओके, अपडेट कीवर्ड यूज करना पड़ता है आपको। ओके, एंड डिलीट के लिए डिलीट, डिलीट इज सिंपल, सभी जगह डिलीट। तो इन सब में से हम सबसे ज्यादा अभी फोकस करने वाले विच पार्ट गाइस, एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल DQL, कौन सा पार्ट, एसक्यूएल DQL। बट इसके अलावा फिर DQL के अलावा और कुछ चीजें है क्या गाइस? यस, देर आर डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल इन एसक्यूएल, जो कि एसक्यूएल के सब पार्ट बोल सकते हो। सो DDL इज नथिंग बट योर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें आप डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस को मैनिपुलेट करना, उसके जो कॉलम्स है कॉलम्स को मॉडिफाई करना, डेटा टाइप चेंज करना कॉलम्स का, दैट थिंग यू कैन कंसिडर इन DDL। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ DDL। देन कम्स अ DML पार्ट, सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मतलब जो रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर बहुत ही ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करना जिसकी वजह से वो डेटा चेंज हो सकता है, ठीक, मॉडिफाई हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है, वहां पर डिलीट भी हो सकता है वो रिकॉर्ड। सो दैट कम्स अंडर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एंड द फाइनल वन इज DQL, मतलब इसके अलावा भी है यहाँ पर डेटा ट्रांजेक्शन, डेटा कंट्रोलर, ट्रांजेक्शन कंट्रोल, बट DQL इज द वन विच वी आर गोइंग टू यूज ऑन डेली बेसिस, ठीक है, एज अ डेवलपर, एज अ DBA। ओके, आपको ये मोस्ट ऑफ द टाइम डेली वर्क इसी पर ही रहेगा, ठीक। तो यही चीज हम लोग देखेंगे। हम लोगों के पास एक सर्वर है जहां पर एक टेबल में हमने ये डेटा रखा हुआ है, ठीक, एंड उसी का यूज करके हम ये सारी क्वेरीज फायर करके देखेंगे। आप इसी ब्लॉक पर, ठीक है, आप इसी ब्लॉक पर एक और चीज कर सकते हो कि आप एसक्यूएल की चीट शीट भी मैंने रखी हुई है इसी ब्लॉग पे, तो आप जस्ट यहाँ पे आने के बाद एसक्यूएल सर्च करना एंड यू कैन सी द एसक्यूएल चीट शीट इज अवेलेबल हियर। यहाँ पर टर्मिनल से, मतलब MySQL शेल का यूज करके आप कमांड्स कैसे रन कर सकते हो वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। सो मैं
ट्राई टू हैव लुक ऑन दिस एंड आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे डेटाबेस सर्वर पे जाके, जस्ट अ सेकंड। ओके फाइन, सो द फर्स्ट कमांड इज माई सिक्वल हाइफन यू, एंड मेरे केस में DIIT यूजर इज द यूजर नेम एंड हाइफन पी। सबसे पहले मुझे सर्वर पे लॉगिन भी करना पड़ेगा, सॉरी। सो डेमो एंड यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ एंड हियर आई जस्ट चेक। ओके, 2-3 कैंडिडेट्स आर देयर। यहाँ पर आने के बाद मुझे कमांड रन करनी है, माई सिक्वल हाइफन यू, यूजर नेम है मेरे डेटाबेस का DIIT यूजर एंड हाइफन पी, उसके बाद पासवर्ड एंटर कर देंगे। ठीक है, जो भी पासवर्ड रहेगा आपने एंटर करना है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग न्यू यूजर डेटाबेस यूजर गाइस, उस समय आपको पासवर्ड भी एंटर कर देना। देन यहां पर आने के बाद, जैसा कि मैंने कहा था, पर आने के बाद मैंने कहा था कि आपका जो डेटाबेस होता है, ठीक है, आपका जो डेटाबेस होता है वहां पर मल्टीपल मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। तो उन डेटाबेसेस को चेक कैसे किया जाएगा इस? सो शो डेटा बेसेस इज द कमांड विच विल गिव यू ऑल द डेटाबेस लिस्ट। ओके, अब इसमें से भी मुझे अगर लेट्स से किसी एक डेटाबेस के अंदर जाना है, सो आई विल राइट द कमांड यूज स्पेस डेटाबेस का नाम, लेट्स से ईकॉम डेटाबेस का नाम। ठीक, आई नीड टू चेक। देखो यहाँ पर तो मुझे कोई शो कुछ शो नहीं कर रहा है, जैसे आप PWD करते हैं तो आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखता है, तो यहाँ पर ऐसा क्या सर्च कर रहा है? सो क्या कमांड रन करेंगे कि हम किस डेटाबेस में? सो डेटाबेस सिलेक्ट डेटाबेस फ्रॉम ड्यूएल, वेयर ड्यूएल इज द डमी। ओके, ड्यूएल इज द डमी टेबल। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं नोट में भी लिखा हुआ, ड्यूएल इज अ डमी और वर्चुअल टेबल। ओके, सो इट शोज यू द करंट डेटाबेस नेम जहां पर भी आप है। नाउ इफ आई नीड टू चेक हाउ मेनी टेबल्स आर देयर, सो द कमांड इज शो टेबल्स। सो यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हो कि हर एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, तो कौन कौन से टेबल्स है उसकी लिस्ट अगर चेक करनी है आपने, तो शो टेबल्स इज द कमांड। ओके, शो टेबल्स। अब शो टेबल्स में जैसे कि एम्प्लॉयज नाम का टेबल है। अब फाइनली क्या होता है कि हर एक टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, हर एक टेबल के अंदर क्या होते हैं गाइस, कॉलम्स होते हैं। तो वो कॉलम्स अगर मुझे चेक करने हैं कौन कौन से कॉलम्स है, तो इन दैट केस यू कैन राइट डिस्क्राइब, इन दैट केस यू कैन राइट डिस्क्राइब, लेट से एम्प्लॉयज के अंदर कौन कौन से कॉलम्स है ये मुझे चेक करना है। सो यू कैन सी इट शोज लाइक दिस, सो दीज आर नथिंग बट योर कॉलम्स के नाम। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये कॉलम्स के नाम है, उसका टाइप, उसकी नल अलाउ भी है या नहीं, प्राइमरी की है या नहीं, ऑटो इंक्रीमेंटेड है या नहीं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स इट विल शो। आप डिस्क्राइब की जगह आप DSC भी लिख सकते हो, बट पीपल गेट कंफ्यूज इट विथ लिमिट, सॉरी ऑर्डर बाय DSC के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स वाई आई आस्क देम टू राइट डिस्क्राइब ओनली। ठीक, अगर आप थोड़ा यूज टू हो जाए तो आप DSC भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। सो इसमें से आप सबसे पहली जो कीवर्ड है, पहला कीवर्ड है वो चीज देखते हैं गाइस DQL में सिलेक्ट। सो लेट से मुझे सारे के सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड्स देख करना है, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स एम्प्लॉयज टेबल के अंदर है। सो हाउ कैन आई डू दैट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, यू कैन सी स्टार एंड एम्प्लॉय। ठीक है, स्टार एंड फ्रॉम, ये दो कीवर्ड हमने यहाँ पर यूज किए। तो सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है कि कॉलम के सारे नाम, ओके, एंड फ्रॉम एम्प्लॉयज, जस्ट टू सेव योर टाइम, आप वहां पर कॉलम के नाम डालने से बेटर है आप क्या कर सकते हो, स्टार करके यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक, अब थोड़ा एनोलॉजी समझते गए। जब भी हम मिलिट्री के बेस से लेट से जहां पर ऑपरेशन हो रहा है वहां पर जा रहे हैं, ठीक है, जहां पर भी मिशन है, तो हम सारा का सारा सामान लेकर जाते हैं क्या? नहीं, वी जस्ट टेक द रिक्वायर्ड, ओके, रिक्वायर्ड स्टफ, जो भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही स्टफ आप लेकर जाते हैं। तो इन दैट केस अगर ये क्वेरी, ठीक है, अगर ये क्वेरी मुझे किसी एप्लीकेशन को भेजना है, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं एप्लीकेशन को,
अगर ये क्वेरी मुझे किसी एप्लीकेशन को भेजना है, एंड यहां पर जो यूजर है, यूजर इज जस्ट आस्किंग फॉर, लेट्स से उसको जस्ट आईडी देखना है, नेम देखना है, ठीक है, एड्रेस देखना है एंड सैलरी, ठीक है, ये चार कॉलम्स ही चाहिए उसे, ये चार कॉलम्स का ही डेटा उसे चेक करना है. सो वो सारा का सारा कॉलम्स का डेटा क्यों फेच करेगा, ठीक. इन दैट केस हाउ कैन आई डू, इन दैट केस यू कैन रिप्लेस दिस स्टार बाय आईडी, नेम, एड्रेस एंड सैलरी. सो दैट्स हाउ यू कैन गेट द रिक्वायर्ड डेटा. केस मुझे बाकी के कॉलम्स की वैल्यूज चाहिए ही, तो इन दैट केस इससे क्या होगा कि ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा फास्ट होगा. सेकंड, आपका डेटा ट्रांसफर जो हो रहा है एक लेयर से दूसरे लेयर में, ठीक है, जैसा लैन के थ्रू, देन फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ये डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप उसके इसमें क्या हो सकता है, आपका क्वेरी फास्ट रन हो, ठीक है, आपको फास्ट रिजल्ट. अब यहाँ पर एक और चीज देखना चाहिए कि एड्रेस, ठीक है, एड्रेस के सामने मतलब कैसा, ये मुझे एड्रेस की जगह अगर सिटी चाहिए, ठीक है, सिटी लिख के चाहिए, तो इन दैट केस व्हाट शुड आई डू, मैं यहाँ पर एड्रेस के बाद स्पेस देकर यहाँ पर सिटी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो वो एड्रेस की जगह सिटी शो करेगा. बट पीपल गेट कंफ्यूज विद दिस, उनको लगता है कि एड्रेस और सिटी नाम का एक ही कॉलम है कि यहाँ क्या. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टाइप एड्रेस एज, एंड इस चीज को बोलते हैं अलियास गाइस, ठीक है, अलियास, अलायस, कोई भी नाम यूज कर सकते हो. सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अलायस, ठीक है. आप टेबल नेम को भी अलायस दे सकते हो, ठीक है, टेबल नेम लेट्स से एम्प्लॉय E1, ठीक, यू कैन गिव एनी नेम, ठीक. सो इसके बाद आता है डिस्टिंक्ट. अब डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, लेट्स से यहाँ पर सिटी के नाम देखो अभी डुप्लीकेट है, मुझे जस्ट इतना चेक करना है कि कितने सिटीज के लोग मेरे पास है. इन दैट केस व्हाट शुड आई डू, आई कैन सिंपली से सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉयज, सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉयज, एंड यू कैन सी ये डुप्लीकेट सिटीज के नाम भी वहां पर शो कर रहे हैं, 16 रिकॉर्ड्स है इसलिए 16 रोज. बट मुझे अगर डिस्टिंक्ट लिस्ट देखनी है तो व्हाट शुड आई डू, आई कैन यूज डिस्टिंक्ट, ओके, एंड यू कैन सी 7 सिटीज के एम्प्लॉयज मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, नासिक, USA, नागपुर, एड्रेस, एड्रेस इज ऑल्सो एन एड्रेस, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, लेट्स जस्ट अपडेट इट हियर, अपडेट एम्प्लॉयज सेट, ओके. जब भी आप ये ऐसा करो गाइस, तो सबसे पहले कभी भी अगर अपडेट करना है तो सिलेक्ट कर लो एड्रेस, आईडी कॉमा एड्रेस, वेयर फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर एड्रेस इक्वल्स टू एड्रेस, ठीक, ऐसे 3 जगह पर है. तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपडेट लिख सकते हो. अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने गलती से लिखते वक्त कहीं एंटर प्रेस कर दिया तो इट विल क्रिएट अ डिजास्टर, ठीक. तो अपडेट टेबल का नाम सेट एड्रेस इक्वल्स टू से यहां पर डाल देते लंदन, वेयर एड्रेस इक्वल्स टू एड्रेस, ठीक, एंटर करते. नाउ ये इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है. अब हमारी डिस्टिंक्ट वाली क्वेरी देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंदन के भी लोग हैं, फाइन. सो सिलेक्ट करके देखते हैं अभी क्वेरी, ओके, अभी देख सकते, फाइन. सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें नेक्स्ट चीज देखनी है कि वेयर क्लॉज का कैसे यूज करें. सो ऐसे रिक्वायरमेंट आई कस्टमर की तरफ से कि मुझे जितने भी नागपुर के एम्प्लॉयज है उनका डेटा चाहिए, जितने भी नागपुर से एम्प्लॉयज है उनका डेटा चाहिए. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन फिल्टर, ओके, यू कैन फिल्टर. तो यहाँ पर वेयर देने के बाद कॉलम का नाम है एड्रेस, ओके, एंड इक्वल्स टू मैं दे सकता हूँ, ओके. सो यू कैन सी इट इज शोइंग मी ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम नागपुर सिटी, ओके. इसके बाद आता है एंड एंड और. तो लेट्स से मुझे नागपुर, ठीक है, नागपुर के ही एम्प्लॉयज लेकिन जिनकी सैलरी 90,000 है सिर्फ, ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंड ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ, सैलरी 90,000. सो देखिए नंबर जब मैं यूज कर रहा हूँ, इन दैट केस आई एम नॉट गिविंग द सिंगल कोट और डबल कोट, बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग में कंटेन स्पेसेस, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर स्पेस आ सकती है,
ठीक है, तो ये एंड एंड देन उसमें कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए यू शुड ऑलवेज गिव सिंगल कोट और डबल कोट। बट नंबर्स के केस में वैसे नहीं था, नंबर डायरेक्टली विदाउट स्पेसेस हम एंटर करते हैं, सो इट इज शोइंग मी प्रॉपर रिकॉर्ड। ओके, लेट्स से आई वांट टू शो ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम दोज हु आर फ्रॉम नागपुर और नासिक, ठीक है। इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, यहाँ पर दो कॉलम्स, ठीक है, दोनों कॉलम्स एक जैसी है, सो यहाँ पर नागपुर एंड नासिक, ठीक है। तो और आपने ये चीज नहीं करनी है गाइस, ठीक है, यहाँ पर अगर एंड ऑपरेटर यूज कर दिया सो इट वॉन्ट वर्क, ठीक। आपको क्या यूज करना है, और यूज करना है, क्योंकि सिटी और एड्रेस ये दोनों के दोनों एक ही रिकॉर्ड में नहीं हो सकते, ठीक है, और के केस में हो सकता है, ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हो लेट्स से इफ कंडीशंस के जैसा, ठीक, इफ कंडीशन जैसा होता है पाइथन में, वहां पर और वगैरह यूज करते हैं उसके जैसा। बट अभी यहाँ पर मेरे पास दोनों भी कॉलम्स, ठीक है, दोनों भी जगह कॉलम सेम है, मतलब एड्रेस कॉलम ही यूज करना है। इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक यूज ऑफ इन ऑपरेटर, ठीक है, आई कैन मेक यूज ऑफ इन ऑपरेटर। इन का मतलब क्या है कि वहां पर एड्रेस इन एंड मल्टीपल वैल्यूज आप कॉमा सेपरेटेड राउंड ब्रैकेट के अंदर दे सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आप शो कर सकते हो। अच्छा चलो, ये इसी के साथ साथ एक और चीज याद आ गई मुझे। लेट्स से मुझे नागपुर एंड नासिक के अलावा जितने भी है वो सारे रिकॉर्ड चाहिए, सो व्हाट यू कैन यूज गाइस, एड्रेस नॉट इन। ओके, व्हाट यू कैन यूज, एड्रेस नॉट इन। तो आप क्या, आपको कौन से रिकॉर्ड दिखाएगा अभी, वो जो नागपुर और नासिक में नहीं है, ठीक है। मैं ये डॉक्यूमेंट भी अपडेट कर दूंगा, यहाँ पर एंड और इन एंड नॉट इन भी रखना चाहिए, ठीक। और एक चीज आ सकती है गाइस यहाँ पर, नल एंड नॉट नल के केस में, जैसे कि एड्रेस इक्वल्स टू नल, ठीक है, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, ठीक है, आप नल ऐसे वैल्यू नहीं दे सकते गाइस। आपको क्या चेक करना है, एड्रेस इज नल, ठीक है, एड्रेस इज नल। अगर मैं यहाँ पर अभी सारे रिकॉर्ड चेक करना चाहता हूँ, लेट्स जस्ट हिट, एक्सक्यूज मी सर, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, सारे के सारे रिकॉर्ड्स, ओके फाइन। तो यहाँ पर लेट से एक रिकॉर्ड को हम नल करके देखते हैं, लेट से 154 में नेम, ठीक। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आईडी इक्वल्स टू 154, ठीक, ये वाला रिकॉर्ड का जो नेम है वो मैं नल करना चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर अपडेट एम्प्लॉइज सेट नेम equals to null, ठीक, नेम cannot be null, तो और कोई चीज को null करके देखते हैं, let's say role salary को करके देखते हैं, okay and let's check, okay salary is null, it is showing now, so अभी सारे के सारे reports fetch करते हैं एक बार, fine। So, मुझे अगर चेक करना है कि जिसकी सैलरी नल है ऐसे रिकॉर्ड चेक करना है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली राइट वेयर सैलरी इक्वल्स टू नल, ठीक। तो इस केस में ये वर्क नहीं करेगा गाइस, इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज सैलरी इज नल, ठीक है, इज नल इज द ऑपरेटर। अब जिनकी सैलरी नल नहीं है वहां पर क्या लिखना है आपने, salary is not null, so in that case what you need to use, you need to use salary is not null, okay। From the participants one of the candidate asked the question, bolo kya doubt tha, participants सर वो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, वो स्क्रीन में ही दिख रही है। अदर कैंडिडेट्स शुभांगी, सॉरी श्रीकांत, यस सर, स्क्रीन दिख रही है मेरी, यस सर दिख रही है, विजिबल,
फाइन यू कैन म्यूट। ठीक है गाइस, सो दैट्स हाउ यू कैन शो द रिकॉर्ड्स। अब नेक्स्ट चीज, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? लेट्स से मुझे नेम सर्च करना है जो स्टार्ट होता है, ठीक है, मुझे नेम सर्च करना है जो कि स्टार्ट होता है ए से, ठीक। सो यहां पर मैं लिख दूंगा नेम इक्वल्स ए, तो ऐसा तो कोई नाम ही नहीं है, राइट, सॉरी यहाँ पर वेयर क्लॉज देना जरूरी है, वेयर नेम इक्वल्स टू ए, ऐसा तो कुछ नहीं है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इक्वल्स टू ऑपरेटर की जगह यू शुड यूज विच ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर एंड परसेंट। परसेंट इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यू नीड टू यूज। ओके, सो इट इज शोइंग मी ऑल द रिकॉर्ड्स, ओके, जिनके नाम में ए है, ठीक है, ऐसा कोई नाम देखते हैं जिनके नाम में वी हो, सो वी, ओके, देखो इतने सारे रिकॉर्ड्स है जिनके नाम में वी है। तो हम क्या करेंगे अभी, ऐसा नाम जिनके नाम में ए है, ठीक है, इन बिटवीन, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, तो ऐसा कोई नाम चेक करेंगे जिनके नाम में कहीं पर भी ए हो सकता है। यू कैन सी दिस मेनी नेम्स हैव ए इन बिटवीन, ओके, ऐसे आप परसेंटेज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो। अब मुझे ऐसा चेक करना है कि ऐसे, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयज जिनके जिनके सिटी, लेट्स से, जिनके सिटी में थ्री कैरेक्टर्स हो सिर्फ, ओके, जिनके सिटी में थ्री कैरेक्टर्स हो, सो सिटी लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मतलब तीन बार अंडरस्कोर मैंने दे दिया, तो सिटी की नहीं, यहाँ पर एड्रेस चाहिए, एड्रेस एंड यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है, तो ऐसे सिटीज जहां पर क्या थ्री लेटर मतलब थ्री कैरेक्टर्स की सिटी। अब यहाँ पे नॉट लाइक करके देखते हैं, ऐसे सारी सिटीज जिनमें थ्री कैरेक्टर्स नहीं। सो अंडरस्कोर मतलब कैसा है कि आपके नाम में अगर अंडरस्कोर आता है तो उस केस में वो अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के जैसा ट्रीट कर सकता है। सो मेक श्योर कि आप लाइक यूज करना चाहते हो या इक्वल्स टू इक्वल यूज करना चाहते हो। इन दैट केस अगर आपको अंडरस्कोर के साथ मैच करवाना है तो आप इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करो, ठीक। दीज आर नथिंग बट टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज। लिमिट के बारे में देखते हैं, व्हाट इज लिमिट। सो मैं सिलेक्ट करता हूँ सारे रिकॉर्ड्स, इट इज शोइंग मी ऑल द रिकॉर्ड्स 16 रिकॉर्ड्स, बट अगर मुझे सिर्फ टॉप 10 रिकॉर्ड्स देखने, ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स देखने, तो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, लिमिट 10, ठीक है, इस तरह से मैं लिमिट 10 कर सकता हूँ एंड इट इज शोइंग मी नाउ ओनली 10 रिकॉर्ड्स। नाउ लेट्स से मुझे 10 के बाद सारे रिकॉर्ड्स शो करने, ठीक है, 10 के बाद जितने भी रिकॉर्ड्स है, इन दिस केस लेट्स से 10 के बाद 10 रिकॉर्ड्स शो करने, तो आई कैन यूज लाइक दिस। मतलब ये फर्स्ट 10 जो है ये है आपका, फर्स्ट 10 जो है ये आपका ऑफसेट है एंड सेकंड 10 जो है वो है आपका, ठीक है, सेकंड 10 जो है वो आपका लिमिट है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या होती है यहाँ पर, ऑफसेट, ओके, ये होता है ऑफसेट एंड सेकंड थिंग जो होती है वो होती है लिमिट, ठीक है। ये ऑफसेट और लिमिट में, ठीक, ऑफसेट और लिमिट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ओरेकल के, ठीक है, न्यू वर्जन में, ओरेकल के न्यू वर्जन में ऑफसेट एंड लिमिट ऐसे कीवर्ड ही डाल दिए हुए, ठीक है। लोगों को लगता है कि अगर मुझे 10 के बाद 10 रिकॉर्ड, लेट्स से टॉप 10, मतलब पहले अगर 10 रिकॉर्ड शो करने हैं तो वो क्या करते हैं, 0,10 लिख देते हैं, ठीक, उनको शो भी हो जाता है। बट अगर मुझे अभी 10 के बाद, ठीक है, 10 के बाद अगर 10 से लेकर 20 तक रिकॉर्ड शो करने, सो व्हाट पीपल डू लाइक दिस, ठीक है, मैं भी ये गलती करता था कि 10 के बाद मतलब 10 से लेकर 20 तक रिकॉर्ड शो करने, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ऑफसेट मतलब कहां से शो करना है, मतलब कौन से आईडी से या फिर कहां से रिकॉर्ड शो करना है, एंड सेकंड जो कॉमा के बाद पैरामीटर है, दैट आर्गुमेंट इज नथिंग बट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू नीड टू शो, ठीक है। तो 10 के बाद 10 रिकॉर्ड शो करने हैं, तो 10 से 20 तक ही शो करेगा, इट्स ए 50 के बाद अगर मुझे 10 रिकॉर्ड शो करने हैं तो 50 से 60 ऐसा नहीं लिखेंगे हम, 50 टू 60 ऐसा नहीं लिखेंगे हम, क्या करेंगे 50 के बाद 10, ओके गाइस, दैट्स हाउ यू शुड यूज ऑफसेट एंड लिमिट। यहाँ पर तो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, यहाँ पर 10 के बाद ही देखते हैं, तो 10 के बाद एक्चुअली 6 ही रिकॉर्ड है,
ये छह रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। और ध्यान देना गाइस, आपको पेजिनेशन में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सो इन दैट केस यू नीड टू यूज 0, 10, 10, 10, तो लिमिट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन पेज नंबर में ऑफसेट की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। ओके, उसके बाद आता है लिमिट के बाद सब एसक्यूएल, और यहाँ पर पहले ऑर्डर बाय देख लेते हैं। ठीक है, पहले ऑर्डर बाय एंड देन सब एसक्यूएल। सो यहाँ पर सारे के सारे रिकॉर्ड्स मुझे शो कर रहा है, 16 के 16 रिकॉर्ड्स। नाउ आई वॉन्ट टू सॉर्ट इट बाय यूजिंग सैलरी। ठीक है, बाय सैलरी, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा ऑर्डर बाय कीवर्ड एंड सैलरी। ओके, ऑर्डर बाय कीवर्ड एंड सैलरी। ठीक है, तो मुझे क्या शो कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर सैलरी से सॉर्ट करके शो कर रहा है डेटा। अब यहाँ पर अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा लिप्स, असेंडिंग के लिए एएससी लिखते हैं, बट इट्स ऑप्शनल क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही देता है, बट डिसेंडिंग के लिए अगर आपको कुछ करना है तो डीएससी कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डीएससी कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। लेट्स से अभी मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स ही शो कर रहे हैं, वो भी डिसेंडिंग सैलरी के ऑर्डर में। ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू शो लेट्स से टॉप 5 रिकॉर्ड्स। ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर लिमिट 0, 5। ओके, टॉप 5 रिकॉर्ड्स को मुझे शो कर रहा है यहाँ पर। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला रिकॉर्ड चाहिए, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन वुड बी द हाईएस्ट वन, तो 0, 1, तो ये हाईएस्ट सैलरी वाला रिकॉर्ड शो कर रहा है। What if अगर दो लोगों की हाईएस्ट सैलरी है, इन दैट केस दिस क्वेरी विल फेल। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्रीगेशन देखेंगे एंड देन चेक करते हैं कि टॉप सैलरीड एम्प्लॉयज का अगर डेटा, या फिर सबसे कम सैलरी वाले एम्प्लॉयड का डेटा अगर चेक करना है तो वो कैसे। ठीक है, हाँ, डीएससी की जगह मैं एएससी कर दूं। ठीक है, एएससी, तो यहाँ पर नल वाला शो कर रहा है वो, लेट्स से 3। ठीक है, 3 लोगों की सैलरी यहाँ पर कैसे 1500 में कर, 15000 कर देता पहले। अपडेट एम्प्लॉयज सेट सैलरी इक्वल्स टू 15000 वेयर सैलरी इज नल। ठीक है, जिसका भी नल है, फाइन। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पर 15000 वाले 3 एम्प्लॉयज है, तो उनका डेटा अगर मुझे शो करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। कल चल के एक और एम्प्लॉय की सैलरी अगर 15000 होगी तो वो भी रिकॉर्ड दिखना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने अगर लिमिट डाल दिया तो इट इज अ लिमिटेशन, यहाँ पर लिमिटेशन हो जाएगी, हर बार जाके मुझे कोड में चेंज करना पड़ेगा। सो वो चीज ना करनी पड़े इसके लिए हम पहले एग्रीगेशन फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं सारे के सारे रिकॉर्ड शो करना चाहता हूँ, सो व्हाट शुड आई डू, शो इट लाइक दिस। अब यहाँ पे आने के बाद लेट से मुझे सम, ठीक है, टोटल सैलरी सभी एम्प्लॉयज की सम, लेट से बिजनेस वाले मेरे पास है एंड दे आस्क मी कि मैं, हम लोग कितनी सैलरी पे करते हैं टोटल, वो मुझे बता, चेक करना है। तो हाउ कैन आई डू दैट, सिलेक्ट सम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे कॉलम का नाम फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो टोटल इतनी सैलरी जा रही है आपके कंपनी में। ओके, तो ऐसा हम बता सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये देखने के लिए थोड़ा वियर्ड लगता है, तो मैं यहाँ पर टोटल लिख सकता हूँ। ठीक है, अलायस या फिर निक नेम के जैसा, राइट। नाउ व्हाट शुड आई डू, मुझे चेक करना है कि मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है। ठीक, कितने एम्प्लॉयज है जो कि नागपुर से बिलोंग करते हैं, अभी बहुत सारा डेटा हो सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, वेयर सिटी, सॉरी एड्रेस, वेयर एड्रेस इक्वल्स टू नागपुर, तो ये तो मुझे रिकॉर्ड तो शो कर रहा है, बट व्हाट आई नीड टू डू, मुझे सिर्फ और सिर्फ काउंट दिखाना है, तो सिलेक्ट क्या करूंगा मैं, काउंट नाम का फंक्शन यूज करूंगा, इसके अंदर आप 1 डाल सकते हो, इसके अंदर आप स्टार भी डाल सकते हो गाइस। ठीक, सो काउंट एंड सम इस तरह से यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज, लेट से मुझे चेक करना है कि मिनिमम सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, सो यहाँ पर मिनिमम एंड देन कॉलम का नाम, सो यू कैन सी मिनिमम सैलरी। वैसे मैक्स निकालना है तो यू कैन से मैक्स
ऐसे ही अगर मुझे एवरेज सैलरी निकालना है तो आई कैन से एवीजी, ठीक है। दीज आर द कीवर्ड्स यू नीड टू जस्ट रिमेम्बर गाइस, अगर आप भूल भी जाते हो तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो, राइट। अब एक बहुत ही वियर्ड सी रिक्वायरमेंट आई, ठीक, लेट्स से वियर्ड नहीं बोल सकते, थोड़ा लॉजिकल रिक्वायरमेंट आई कि मिनिमम सैलरीड एम्प्लॉयज की लिस्ट दिखाओ मुझे। तो इन दैट केस सबसे पहले तो मुझे मिनिमम सैलरी, ओके, ये वाला से मिनिमम सैलरी मिल रही और सारे रिकॉर्ड शो करने के लिए इससे मिल रहे, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेयर सैलरी इक्वल्स टू 15,000। तो इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड क्वेरी करना, गाइस दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज हार्ड कोडेड क्वेरी। अब मैं क्या करूंगा, ये 15,000 को निकालूंगा यहाँ से, एंड हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेरी रन की थी गाइस, दिस वन, ये सिंगल रिकॉर्ड ही शो करेगा क्योंकि मिनिमम, मतलब मिनिमम क्या है, एग्रीगेशन मिनिमम सिंगल रिकॉर्ड ही शो करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट एंड वी कैन रन दिस। तो ये हो गई अभी आपकी डायनेमिक क्वेरी, एंड इसी चीज को बोलते हैं बॉडमास जैसा रूल जो है वही अप्लाई होता है। सबसे पहले ये क्वेरी रन होगी एंड देन इसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो इसके साथ कंपेयर करके ये क्वेरी रन करेंगे, एंड दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज गाइस सब एसक्यूएल। क्या बोलते हैं हम इसको, सब एसक्यूएल, ठीक है, सब एसक्यूएल या फिर सब क्वेरी भी बोल सकते हैं इस चीज को, ठीक है। क्वेरी के अंदर क्वेरी रन करना, दिस नथिंग बट कॉल्ड एज सब एसक्यूएल। लेकिन देखना गाइस ये थोड़ा सा स्लो चलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0.01, ओके, सब एसक्यूएल पहले पूरे कॉलम्स पे रन करेगा एंड देन आके यहाँ पर रन होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से यूज करना है इस क्वेरी को, ठीक। We can make use of joins instead of subsql, लेकिन जब वो joins पढ़ेंगे हम तब देखेंगे उसको कैसे use कर सकते हैं। Okay guys, so count, sum, average, max, mean, इसका use करके आप क्या कर सकते हैं, aggregation कर सकते हैं। The final group by and having, ठीक है, final group by and having, so इसको कैसे use करें। So group by, let's say यहां पर मुझे सारे एम्प्लॉयज का डेटा शो करना है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि सिटी, सिटी कॉलम की वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही है, और जहां पर भी डुप्लीकेट वैल्यूज हो रही है वहां पर आप ग्रुप बाय लगा सकते हो गाइस। जहां भी डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है उस कॉलम के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बाय लगा सकते हो। मैं यहां पर क्लियर करके सिलेक्ट, लेट्स से एड्रेस, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड देन ग्रुप बाय एड्रेस, ठीक है, ग्रुप बाय एड्रेस। तो ऐसा करते हैं, नाउ इट इज शोइंग मी ग्रुप बाय, मतलब एक तरह से वो कंबाइन करके उसने जस्ट यूनिक नाम निकाल के दे दिया। नाउ व्हाट आई वांट कि मुझे एड्रेस तो चाहिए, लेकिन हर एक सिटी में, हर एक एड्रेस पे कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उसका काउंट भी चाहिए। सो आई कैन डू, I can apply the aggregation, okay? I can apply the aggregation on this, ठीक? Let's say मुझे अगर count की जगह salary चाहिए, ठीक? Salary का sum चाहिए कि हर एक city में कितना salary जा रहा है। I can make use of this aggregation. तो city wise, ठीक है? City wise जो group by किया है, आप उसपे aggregate function use कर सकते हो, okay? Now the final one is कौन सी ऐसी सिटी है जहां पर 3,00,000 से ज्यादा सैलरी जा रही है, ओके, ऐसा अगर मुझे चेक करना है कि कौन सी ऐसी सिटी है जहां पर 3,00,000 से ज्यादा सैलरी जा रही है। सो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉयज के बाद वेयर डाल देंगे, सैलरी ग्रेटर देन, ओके, एंड 3,00,000 डाल देंगे यहाँ पर, ठीक। बट ऐसा थोड़ी ना होगा गाइस, ये एक सिंगल रिकॉर्ड है, अभी लेस देन करते हैं, ओके, बट ऐसा सिटी वाइज दे रहा है ये? नहीं, ये क्या करेगा, आपको सिटी वाइज नहीं देगा गाइस। अभी वो गोरेवाड़ा में एक ही एम्प्लॉय है इसलिए वो करेक्ट दे दिया, बट इन दैट केस व्हाट यू नीड टू यूज, ग्रुप बाय के ऊपर अगर आपको कंडीशन लगानी है, सो यू शुड ऑलवेज यूज कीवर्ड हैविंग, यू शुड ऑलवेज यूज कीवर्ड हैविंग। हैविंग में जो भी कॉलम है, लेट्स से अभी यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है इस कॉलम पे हो रहा है, तो सम ऑफ सैलरी should be greater than 3,00,000, okay, sum of salary should be greater than 3,00,000. You have an error, group by address having sum of salary greater than 3,00,000.
वेयर, ओके वेयर एक कीवर्ड है जो हमने अननेसेसरी यहाँ पे रख दिया, एंड यू कैन सी ये मुझे प्रॉपरली आउटपुट दे देगा, ठीक है, जिसका जिस भी सिटी का सैलरी ग्रेटर देन कितना हो रहा है 3 लाख हो रहा है उसका वो डेटा शो कर देगा। क्लियर है गाइस? सो दैट्स हाउ यू नीड टू यूज दिस क्वेरीज। इसके बाद जॉइंस है, इनर लेफ्ट राइट फुल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लेफ्ट जॉइन ही यूज करना पड़ता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे गाइस। ओके सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए एंड गुड बाय।